गो फॉर वन गोल, एक गोल के लिए काम करो, एक लक्ष्य बना के काम करो। महीना शुरू हुआ ना, तो लक्ष्य बनाओ इस महीने मुझे क्या करना है, इस महीने का गोल क्या है। मान लो आप 90% और आपके लिए मेरे को इस महीने पटाया क्वालिफिकेशन करनी है, डायरेक्टरशिप करनी है, मेरे को पटाया के लिए डायरेक्टर जाना है, 50,000 रुपये भी कम है, उस गोल को बांटो फिर। तो 50,000 रुपये भी कम है और मेरे पास 10 दिन है, तो 50,000 रुपये 10 दिन में कैसे किए जा सकते हैं। 10 दिन में हमने बांटा तो हमारे को पता लगा हमारे को 5,000 रुपये भी रोज चाहिए। अब 5,000 रुपये भी रोज चाहिए तो इसका मतलब ये है कि रोज मेरे को 5,000 रुपये भी करने के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ेगा। लोअर एवरेज सेट करो। अब लोअर एवरेज सेट करो तो आपको पता लगा अगर मैं 5 लोगों से मिलूंगा 2,000 रुपये का बिजनेस कर ले तो 5,000 रुपये भी हो सकते हैं। अब 5 लोग कैसे मिलेंगे, तो एवरेज निकालो अपना, अगर मैं 20 लोगों से मिलूंगा तो 5 मिल जाएंगे। कैसे होती है गोल सेटिंग, ये होती है गोल सेटिंग। अपना जो मेजर गोल है उसको डिवाइड करो अपने डे के गोल में, उसको डिवाइड करो अपने हावरली गोल में कि इस 1 घंटे में वो क्या काम करना है। अब आपने मान लो 20 लोगों को अप्रोच करना, तो कई तरीके आप होम मीटिंग कर सकते हो, आप वन ऑन वन कर सकते हो, आप 20 लोगों को यहाँ बुला सकते हो, आप दिन में अलग अलग टाइम दे सकते हो, या प्रोजेक्ट भी समझा सकते हो, या पर कोई मीटिंग हो रही है मान लो आप भी मीटिंग तो कभी भी 20 लोगों को बुला सकते हो। ऐसे गोल सेटिंग होती है, पर गो फॉर वन गोल, इसका मतलब है एक गोल बनाओ। ये नहीं कि भाई ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ 10-10 जगह टांगे बजा रखी है। कई सारे लोग कैसे थे वो 10 कंपनियों के प्रोडक्ट है, 10 कंपनियों के प्रोडक्ट है, कई सारे लोग ऐसे हैं। अब मुझे बताओ उस यात्री का क्या होगा जिसकी टांग 10 नावों में, बोलो काम मुझे कहीं नहीं बचेगा, वही का वही नहीं रहेगा भाई साहब, मंदिर भूख रहेगा। ले जाए जाते भी ठीक है, भगवान करे ले जाए वो ओंधे मुंह गिरेगा, उसको खुद का पता नहीं लगेगा, हाथ पे रोड तोड़वा लेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, कैसे संभव है। इसने एक गोल बना के उसके लिए काम करना जरूरी है। अब हमारे पास गोल सबको दिया हुआ है मोदी केयर में, सबके पास पटाया का गोल है अभी, है या नहीं है, सबके पास पटाया का गोल है ना, या जितने लोग बैठे थे। अच्छा आपने कितने लोग फॉरेन ट्रिप करके आए, कोई गए, एक नहीं तो हमारे साथ ही गए, इनकी छोड़ो कोई है। अच्छा कितने लोग प्लेन में बैठे, आजकल का आसान हो गया वैसे, पहले जब मैं ऐसी मीटिंगों में हाथ खड़ा था तो 1,000 लोगों की मीटिंग में 1 आदमी का हाथ खड़ा होता था प्लेन में, क्योंकि प्लेन में बैठना। अब क्योंकि हमारे इतनी डोमेस्टिक एयरलाइंस हो गई, इतनी सारी चीज़ें हो गई, ट्रेन के टिकट में प्लेन के टिकट मिल जाते हैं ट्रेन की रेट में, इतने लोग बैठ जाते हैं। लेकिन सच में इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती है उसका एक अलग ही वो होता है, तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट में इंटरनेशनल एयर होस्टेस होती है। जब वो पानी पिलाते हैं तो पानी अच्छा मीठा लगता है। हाँ सही बात है। और मैं दवा बताता हूँ, ऊपर एक बटन होता है आपके, कभी भी दबाओ कभी भी उड़ा लो, ऐसे नहीं होता। आप अपने चाय की दुकान में जो लड़का काम करता है उसको बुला के दिखाओ, मेरे को बुला के दिखाओ, उसको 3 बार कहते ना पानी पिला देते, पानी पिलाने नहीं आता, वो भी राणा जी है, उसको भी कहीं ना कहीं एहसास होगा कि मैं कोई बात नहीं चाय की दुकान पे आज काम कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नरेंद्र मोदी बन सकता हूँ। भगवान एयर होस्टेस होती ना, वो अगर आपने दबा दिया उसकी मजबूरी है, वो आएगी सही आपके टेबल पे, आपकी कुर्सी पर आके पूछेगी सही आपसे कि सर क्या चाहिए। हाँ सोच लो, वो मौका है आपके पास, क्या करना है, डायरेक्टर जाना है, 32,000 रुपये मेंटेन करने हैं, 7 महीने बचे, मैं कल मीटिंग में ये बात कह रहा था लोगों को, लोग कहते अपॉर्चुनिटी 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 का मतलब होता राइट टाइम। मैं अपॉर्चुनिटी तो केसरी की दुकान में भी थी ना एक दिन, आज डाल के देख लो।